आम बजट को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद लालवानी के मुताबिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार सहित इनकम टैक्स में रियायत जैसे बड़े निर्णय आम आदमी के हित में साबित होंगे। वहीं इंदौर को मिलने वाली 3 ट्रेनों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। दरअसल इंदौर दिल्ली को लेकर मिलने वाली ट्रेन निजी संचालकों द्वारा चलाई जाएगी, जिस पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जब रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और इसका फायदा आम यात्रियों को होगा। उन्होंने इसके पीछे विमानों में चलने वाली प्रतिस्पर्धा का हवाला दिया। लगभग 100 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकरण, जैसे एयरपोर्ट है उस माध्यम उस तहज पर 100 रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, उसमें हमारा इंदौर का रेलवे स्टेशन भी है। और जो हमारे यहाँ की मनमाड़ लाइन के लिए जो मुझे जानकारी मिली, उसमें अभी प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपये रखे हैं, लेकिन उसमें हमने बात की है कि उसमें और ज़्यादा होना चाहिए। इंदौर धाओ जो लाइन है उसमें 120 करोड़ रुपये रखे हैं, उदयपुर धार रेल लाइन के लिए 180 करोड़ रुपये रखे हैं, और फतेहाबाद जो उज्जैन चंद्रावती का उज्जैन ब्रॉडगेज का काम चल रहा है उसको पूरा करने के लिए पूरा फंड रखा है। तो इंदौर के आसपास जो हमारे काम चल रहे हैं वो लगभग इस साल पूरे होने की संभावना है। तो मुझे लगता है रेलों के मामले में और एयरपोर्ट के मामले में उन्होंने नए छोटे छोटे 100 एयरपोर्ट पूरे देश भर में बनाने की बात कही है। और उसके साथ साथ उड़ान जो योजना है, उड़ान योजना ऐसी है कि जो छोटे हवाई जहाज हैं या छोटे शहर हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ये बहुत डिमांड है कि राजस्थान से जुड़ना चाहिए मध्य प्रदेश, तो इसे छोटे छोटे उड़ानों के लिए 100 उड़ान की बात कही है। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, रेलवे की हो, सड़क की हो, सड़क के लिए उन्होंने जो राशि रखी है वो 1,70,000 करोड़ रुपए उन्होंने सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर लिए रखी है। और उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 में बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर जो है उसका काम पूरा हो जाएगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नेशनल हाईवे है उसमें जो आवश्यक पड़े भरपूर राशि उन्होंने उसमें दी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने इसमें नए नए आयाम जोड़े हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी नए नए आयाम हमको देखने को मिलेंगे और देश एक दूसरे से जुड़ेगा। लोकलू भवन बजट को लेकर जहां बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस अन्य पार्टी इस बजट में निजीकरण को बढ़ावा देने के मामले को लेकर सवाल उठा रही है। साथ ही रोजगार को लेकर पिछले बजट में भी घोषणाएं की गई जो इस बार भी बरकरार है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आर्थिक मंदी और रोजगार जैसे विषयों से जूझ रही मोदी सरकार इस बजट में क्या कुछ खास कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज़, इंदौर।